ये घटना है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल कैरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पे गोली मार दी। जैसी गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा, लेकिन उसके बाद से, यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से, उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई। वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई और आज तक भी ये एक रहस्य है। गाइस, इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, चैट सेक्शन में जरूर लिखें। पेट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, जब इसके प्राइजेस हिलते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। इंडिया में पर लीटर पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल और सबसे महंगा पेट्रोल कहां पे मिलता है और कितने रुपए का है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं इस वीडियो में इसका आंसर भी दे देता हूं। गाइस, सबसे सस्ता पेट्रोल पूरी ही दुनिया में वेनेजुएला में मिलता है, और प्राइस सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। पर लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 1.44 रुपए है। वहीं सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में बिकता है, वहां पर लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 170 रुपए है। गाइज, ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, आप लोग रेड सिग्नल पे रुकते हो कि नहीं? रुकते हो ना, और ग्रीन सिग्नल पे आगे जाते हो। अब आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा इजीली करते हो क्योंकि आप इंसान हो, और इंसानों के लिए ही ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ट्रैफिक सिग्नल स्पेशली कैमल्स, यानी कि ऊंटों के लिए बनाया गया हो? शायद नहीं सुना होगा। लेकिन जो कहीं नहीं होता वो चाइना में होता है। जी हाँ गाइज, चाइना के डून होंग सिटी के सैनिक मिंगशा माउंटेन पर स्पेशली ऊंटों के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल बनाया गया है। अब उस ट्रैफिक सिग्नल में जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है तो ऊंट आगे जाते हैं, और जैसे ही रेड सिग्नल होता है तो वहां के टूरिस्ट जो वहां पर घूमने आए हैं वो आगे जाते हैं। गाइज, ये ट्रैफिक सिग्नल का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिंदगी की भाग दौड़ और अपने मतलब के चक्कर में इंसान ये तक भूल गया कि इस अर्थ पे उसके अलावा और भी जीव रहते हैं। लेकिन इस्तांबुल के लोगों का डॉग्स के लिए अच्छा व्यवहार देख के मुझे ऐसा महसूस होता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हाँ गाइस, इस्तांबुल एक ऐसी कंट्री है जहां पर सर्दियों के दिनों में डॉग्स को मॉल्स में आने दिया जाता है ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा सके। ना सिर्फ इतना, वहां के लोग डॉग्स को खाना और खाने के साथ साथ ओढ़ने के लिए कंबल भी देते हैं। गाइस, है ना इंसानियत वाली बात? क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी हम लोग रोड पे ड्राइव करते हैं और हमें पता लगता है कि हमारे पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि साइड हो जाएं और उस एम्बुलेंस को जाने दें ताकि किसी की जान को बचाया जा सके, यानी कि हम लोग एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। लेकिन इसी चीज का फायदा रशिया में बहुत सारे करोड़पति ट्रैफिक जैम से बचने के लिए उठाते हैं। हो गए ना हैरान? कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो लोग एम्बुलेंस को हायर करते हैं $200 पर आर के हिसाब से, ताकि वो अपना वक्त बचा सकें। मतलब वो एम्बुलेंस को इस्तेमाल करते हैं। क्या आप लोगों ने भी एम्बुलेंस का ऐसा गलत इस्तेमाल किसी को करते देखा है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।